तो दोस्तों आज हो गई है 23 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों, और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। राहुल गांधी की अगुवाई में राष्ट्रपति से मिलेगा कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल, कृषि कानूनों के विरोध में सौंपे जाएंगे 2 करोड़ हस्ताक्षर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और इसके आसपास लाखों की संख्या में किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। तीनों ही नए कृषि कानूनों की वापसी की अपनी जिद पर किसान संगठन अड़े हुए हैं। इधर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल इस पूरे मामले पर 24 दिसंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेगा। राहुल गांधी की अगुवाई वाले प्रतिनिधिमंडल की तरफ से राष्ट्रपति को कृषि कानूनों के विरोध में इकट्ठा किए गए 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर भी सौंपे जाएंगे। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का अंबाला में डंडे और काले झंडे से हुआ है स्वागत, नाराज किसानों ने रोका रास्ता, की है जबरदस्त नारेबाजी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को अंबाला में किसानों के गुस्से का सामना करना पड़ा है। प्रदर्शनकारी किसानों ने सीएम मनोहर लाल खट्टर को यहां पर काले झंडे दिखाए जहां वह पार्टी के महापौर और वार्ड के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए गए थे। जैसे ही उनका काफिला शहर के अग्रसेन चौक से गुजर रहा था किसानों ने इसे रोकने की कोशिश की, हालांकि पुलिस ने मुख्यमंत्री के काफिले को वहां पर निकाल दिया, लेकिन इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जबरदस्त तरीके से यहां पर नारेबाजी की है और काले झंडे उनको दिखाए हैं। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, जब पुलिस ने उनको शांत कराने की कोशिश की तो देखते ही देखते किसान यहां पर और भी भड़क गए और जिस गाड़ी में खट्टर सवार थे उस पर जबरदस्त तरीके से किसानों ने डंडे बरसाना शुरू कर दिया। आप लोगों को बताते चले, डंडे बरसाने के साथ साथ किसानों ने सीएम खट्टर के खिलाफ जमकर के नारेबाजी की, जिसके चलते कई सरदार किसानों की पगड़ियां भी वहां पर गिर गई, जिससे किसान और भी ज्यादा भड़क गए और पुलिस से धक्का मुक्की पर यहां पर किसान उतर आए। पुलिस के साथ ही हुई धक्का मुक्की में कई किसानों को यहां पर चोटें भी आ गई हैं। यह यहां पर दोस्तों हरियाणा से बेहद बड़ी खबर सामने निकल के आई है। दिन पर दिन और भी तेज होता जा रहा है यहां पर किसानों का आंदोलन, लेकिन मोदी सरकार है कि किसानों की मांगों पर ध्यान देने को ही तैयार नहीं है। इस खबर में आप लोगों की क्या राय है जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं, सीधे अंबानी और अडानी से भिड़ रहे हैं किसान, मुंबई में रिलायंस दफ्तर का किया है घेराव। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन में भाजपा के साथ साथ देश के उद्योगपतियों अंबानी और अडानी को भी घेरा जा रहा है। दरअसल 3 महीने पहले मोदी सरकार के द्वारा लाए गए तीनों ही कृषि कानूनों को प्राइवेट कंपनियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लग रहे हैं। किसान आंदोलन को अब तक 27 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन किसानों और सरकार के बीच अब तक कोई भी सहमति नहीं बन पाई है। इसके साथ ही किसानों के द्वारा रिलायंस इंडस्ट्रीज के जियो को बायकॉट करने की मांग भी उठाई गई थी, जिसके बाद जियो को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा। किसान आंदोलन के बीच टेलीकॉम कंपनियों के बीच तकरार शुरू हो गई। किसानों के द्वारा जियो का विरोध किए जाने के बाद जियो मोबाइल यूजर्स में बड़ी मात्रा में कटौती देखने को मिली है। तो वहीं अब खबर सामने निकल के आ रही है कि महाराष्ट्र में किसान संगठनों ने रिलायंस ऑफिस का यहां पर घेराव किया है और जबरदस्त तरीके से नारेबाजी की है मोदी सरकार और अंबानी और अडानी के खिलाफ यहां पर। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ना ला पाए 200 सीट तो क्या इस्तीफा देंगे बीजेपी के नेता। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर कहना है प्रशांत किशोर का और खुली चुनौती दे दी है बीजेपी को। आप लोगों को बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने बीजेपी नेताओं को चुनौती दी है कि वे रिकॉर्ड पर कहें कि अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 200 सीटें जीतने में कामयाब नहीं होती है तो वे अपना पद त्याग देंगे। इससे पहले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 10 सीटें भी नहीं आने वाली हैं। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें,
प्रशांत किशोर ने दावा किया था कि भगवा पार्टी को चुनाव में मुश्किल से 10 से ऊपर सीटें आएंगी, लेकिन पार्टी किसी भी स्थिति में 100 सीटों से नीचे ही रहेगी। अगर वह 200 सीटें जीत जाते हैं तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा, ये दावा यहां पर किया था प्रशांत किशोर ने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, किसान आंदोलन को पंजाबी गायकों का फुल सपोर्ट, कई गाने किए गए हैं रिलीज। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, कुछ गानों में किसानों के प्रति सपोर्ट के अलावा यह मैसेज भी देने की कोशिश की गई है कि पंजाब दिल्ली के आगे नहीं झुकेगा। किसान आंदोलन में शामिल नौजवानों के जोश को देख करके लगता है कि उनके दिमाग में ये बात घर कर गई है कि दिल्ली में बैठी हुकूमत कृषि कानूनों के जरिए पंजाब के खेतों को छीनना चाहती है और उन्हें इसके खिलाफ पूरी ताकत से लड़ना है। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की रिहाई पर बोले अखिलेश यादव, झूठी और अन्याय बीजेपी का पतन शुरू हो गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, समाजवादी पार्टी की विधायक और पूर्व राज्यसभा सांसद तंजीन फातिमा की 10 महीने के बाद जेल से यहां पर रिहाई हो चुकी है। सीतापुर जेल से बाहर निकलने के बाद आजम खान की पत्नी और सपा विधायक तंजीन फातिमा ने उनके साथ जेल में हुए वर्ताव पर बातचीत की है। तंजीन फातिमा का कहना है कि उन्हें जेल में किसी भी तरह की सुविधा नहीं दी गई, जिस तरह से आम कैदी रहते हैं वैसे ही उन्हें भी रखा गया। उन्होंने कहा कि वह 10 महीने तक अपने पति और बेटे के साथ जेल में रही हैं। तो वहीं तंजीन फातिमा की रिहाई के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार को लिया है निशाने पर। अखिलेश यादव ने कहा है कि रामपुर के सांसद आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा की जमानत ने साबित कर दिया है कि नफरत की सियासत करने वाले आखिर में सच के आगे हारते हैं। भाजपा झूठ के जिस रास्ते पर चल रही है वो अन्याय की ओर जाता है और पतन की ओर ले जाता है, ये इंसाफ में एतबार करने वालों की जीत है। ये यहां पर देख सकते हैं अखिलेश यादव ने लिया है योगी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, सरकार पर लगाया है ध्यान नहीं देने का आरोप। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, केंद्र के नए कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह ने कहा है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में यूनियन के पदाधिकारी रोजाना सांकेतिक भूख हड़ताल पर अपना विरोध जताएंगे। उन्होंने कहा है कि नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर के किसान पिछले काफी समय से लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार उनकी मांग पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। इस बीच यहां दलित प्रेरणा स्थल पर भी भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का धरना लगातार जारी है। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, किसानों का ब्रिटिश सांसदों से अनुरोध, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं अपने प्रधानमंत्री को भारत बिल्कुल भी ना आने दें। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान यूनियनों ने कहा है कि आगे की बातचीत के लिए केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर फैसला आज के लिए टाल दिया गया है। इस बीच किसान तीनों ही कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग पर बिल्कुल ही पूरी तरीके से अटिक हैं। तो वहीं दोस्तों किसान संगठनों ने कहा है कि वे ब्रिटेन के सांसदों को भी पत्र लिखेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल नहीं होने के लिए अपने प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पर दबाव डालें और जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं तब तक पीएम को भारत ना आने दें। ये यहां पर कहना है किसानों का और वो यहां पर ब्रिटिश सांसदों से अनुरोध करेंगे, ये यहां पर किसान संगठनों ने कहा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं, आरोप मुक्त हुए विदेशी तबलीगियों को देश वापसी के लिए सहूलियत प्रदान करे सरकार, ये यहां पर कहना है सुप्रीम कोर्ट का। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार तबलीगी जमात में शामिल होने वाले उन विदेशियों को उनके देश वापस भेजने में सहायता करे जिन्हें कोर्ट ने आरोप मुक्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उक्त टिप्पणी संबंधित विभाग के रास्ते में नहीं आएगा अगर वह आरोप मुक्त किए जाने वाले आदेश के खिलाफ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस मामले में आवेदकों के रिप्रेजेंटेशन पर जल्दी विचार हो,
ध्यान रहे कि 36 विदेशी तबलीगी को कोविड 19 के गाइडलाइंस का उल्लंघन करने के आरोप से निचली अदालत ने आरोप मुक्त कर दिया था। इसी पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये यहाँ पर बड़ा आदेश दिया है। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने UNDVDP पर जानी है। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबर को जान सके। वीडियो देखने के लिए दोस्तों